बात तो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हमें बच्चों से छुड़ानी है उसे पहले हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या है। समस्या क्या है हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, बड़ी हड़बड़ी है और छोटा बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है। बेटा जाओ 2 मिनट टीवी देख लो, हमें तैयार हो जाने तो देर हो रही है। ये सवाल पैदा होता है घर में, ना सास देखती है ना ससुर देखते हैं। जाओ अपने बच्चे को संभालो। लेडीज स्ट्रेस में आ रही है, अगर वो नहीं छोड़ती है बच्चे को तो ऑफिस टाइम में नहीं पहुंचेगी, वहाँ तनाव क्रिएट होता है। और घर में अगर बच्चे को संभाल रही है तो बड़ी समस्या है। फिर थोड़ी देर के लिए हमें कहीं ना कहीं बच्चे को लगाना पड़ता है। ऐसे में व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत अस्तित्व और पारिवारिक तनाव हम कैसे मैनेज करें। बड़ा बड़े वर्किंग लेडी हमारे बीच बहुत सारी थी और बहुत सारे सवाल इस तरह के आए कि बच्चे को कहीं ना कहीं तो बहलाना ही पड़ता है। खेलने की चीज़ें नहीं रही, घर छोटे छोटे हो गए, माँ बाप साथ में नहीं रहते हैं। कैसे हम बच्चे को भी मैनेज करें और परिवार भी मैनेज करें और तनाव भी ना हो और उनकी गंदी आदतें भी छुड़ा दें और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखें। तो हमारे बीच प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका वर्मा है, व्यक्तिगत कार्य और परिवार इस पर बात करेंगी। मैं अनुरोध करती हूँ कि इस मुद्दे को पूरी तरह से वो रख पाएंगी। मंचासीन समस्त महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित जन, आप सबको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम साकार प्रवाह समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा विषय लेके आए जिसको मेरे ख्याल से हर घर में इसकी ज़रूरत है। तो मैं सर्वप्रथम अपने टॉपिक पे शुरुआत करूँगी कि पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आए हाँसी। अर्थात हमारे परिवार के हर व्यक्ति की यही एक इस प्यासी मीन जैसी व्यथा हो गई है कि वो पानी में तो है लेकिन फिर भी प्यासी है। हम सब अपने बच्चों का विवाह क्यों करते हैं, हम खुद विवाह क्यों करते हैं? मेरा बच्चा जाएगा उस फला घर में और बड़ा खुश रहेगा, हमने सब कुछ कर दिया, दहेज दे दिया, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करी, लेकिन वो जब वहाँ गया तो उसने क्या त्राहिमान त्राहिमान शुरू कर दिया। अब वो बेटी बेटा कोई भी हो सकता है। तो इसका इलाज मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया, मेरे सास ससुर नहीं थे और मैं वर्किंग भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, मेरा बच्चा इस वक्त 5.5 साल का है और मेरी बेटी 3 साल की है। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे ये चीज़ें मुझे पैतृक तो मिली थी कि बेटा ये सब आपको ही हैंडल करना, हर स्थिति को समझना सिर्फ आपको ही है। तो इसका सिर्फ निष्कर्ष मुझे ये लगा, हर सिचुएशन का हर परिस्थिति का इलाज सिर्फ आपके पास है। वो परिवार आपका है, आपकी कार्यशैली, आपका कार्य क्षेत्र के बारे में सिर्फ आप जानते हो और उसका निष्कर्ष भी आप ही निकाल सकते हो। जैसे मेरा बेटा 5.5 साल का अभी तक हो गया और मेरा बेटा मैगी से वाकिफ नहीं, आज तक उसने मैगी नहीं खाई, जबकि मैं वर्किंग हूँ। मैं चाहूँ तो मैं मोस्टली देखती हूँ बच्चों को लोग दे देते हैं मैगी, मैंने नहीं दिया। ये टॉपिक से थोड़ा हट के है लेकिन छोटा सा उदाहरण इसलिए है कि हम कैसे, जैसे भी हमारी बहन जी ने कहा कि हम मोबाइल से कैसे दूर रखें, मेरे बेटे को बिल्कुल भी मोबाइल से प्यार नहीं है। वो क्योंकि मैंने खुद किया, मैं आज तक यूट्यूब पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, किसी चीज़ पे नहीं हूँ। अगर आपको कुछ अर्जित करना, अपनी ख्याति पैदा करनी, तो आप यहाँ ज़मीन पे रह के करो ना। आप अपनों से आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, अपनों से चार बातें ही कर रहे हो, आप वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना लिखने के लिए तैयार हो कि आपको अननोन पर्सन जाने, और अननोन का निष्कर्ष क्या होता है, पता चलता है कि वो पता नहीं कौन 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 किससे आपके, वो पाकिस्तान में जैसे हैं बैठी उनसे हो गया है ना। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम जो जितने अपने नोन हैं उनसे मिलें, उनसे अच्छे रिश्ते वाकिफ करें, उनको और अच्छा करें। बच्चों की परवरिश की बात रही, बहुत अच्छा आपने बताया और मैं बड़ा खुश हो रही थी कि मेरे भी जैसा कोई है। तो हम कोशिश करें कि अब जब हम खुद करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। टीवी की बात आई, मैं जब भी टीवी देखती हूँ मैं न्यूज़ ही लगाती हूँ। मेरा बेटा 5.5 साल का है लेकिन वो हाँ जान गया है कि हमारे इस कंट्री के PM कौन है, ये कौन, बहुत सी चीज़ें अच्छी जान गया है वो। और दूसरी बात, हम समय का, हम वर्किंग है ना, जैसे मैंने अभी कहा शुरुआत से कि हम खुद हर समस्या का समाधान हो सकते हैं। मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे, मैं जब कार चला के जाती हूँ ना, जितना टाइम हमारा होता था ऑफिस जाने तक का, मैं उसको ABC लर्न कराती थी। उस बच्चे ने ABC ये सब कुछ उसने मेरे से जान लिया। जब मेरे पास खाली समय होता है, वो पूछता है कहानी के लिए, तो मैं उसको पौराणिक कथाएँ सुनाती हूँ, बहुत सी चीज़ों के नाम वो ऐसे जान गया जो कि उसको आगे पढ़ना है, मेरे से उसी बारे में बात करता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम खुद सुधरें, हम खुद उस चीज़ों को लेकर के आएँ
कि जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तभी तो हम अपने अच्छे परिवार की संकल्पना रख पाएंगे। और दूसरी बात, लोग दो चार होते हैं कि पारिवारिक तनाव है, समस्या है। भाभी जी मेरे परिवार से वाकिफ़ हैं और मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझती हूं कि मेरा परिवार बहुत खुशहाल है। मुझे लगता है कि हर महिलाओं को, महिला एक होती ना, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। वो एक माँ भी है, भाभी भी है, वाइफ भी है, सब कुछ है। उसकी कुछ ड्यूटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो वो कर सकती है। शी कैन डू एवरीथिंग। मैं रात के 12:30-1 बजे सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 5 बजे उठती हूँ। मेरे काम वाली उसके बाद बावजूद भी मैं उस पर नहीं छोड़ती हूँ। मैं जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, और उसका परिणाम अच्छा है। मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और हर व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। थोड़ा सा ये जो गैजेट्स है ना, गैजेट से दूर रह के आप खुद अपने परिवार की परिकल्पना को बनाएं कि आप अपने परिवार को कितना अच्छा आप बना सकते हो। आप ही हो जो उसका कोई डॉक्टर के पास, कोई हकीम के पास कोई दवाई नहीं है जिसको कोई दूसरा इलाज कर सके, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र अलग है। आप ही समझ सकते हो उस कार्य क्षेत्र को, आप कैसे सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से आप उसको चला सकते हो। इसको आपने ही करना है। हम जब अपने बच्चों को सीख देते हैं ना कि वो अच्छा पढ़े लिखे, उसके साथ में हम ये भी उसको सीख दें कि बेटे आपको जब अगले घर में जाना है तो अगले घर में आपको उस घर को अपना घर समझना है और अच्छे कार्य करना है कि ताकि आपके आगे की जो आगे की पीढ़ी है वो भी आपसे कुछ अच्छा सीखे। तो मुझे लगता है सिर्फ आपकी समझ ही हर चीज़ का निष्कर्ष है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।